Hey, Satya. Hey, hi, bro. Hi. क्या यार, कैसी चेकिंग चल रही है यहाँ? ये तो रोज का काम है, और अपना काम ही क्या है, मेन रोड पे ड्यूटी देते हैं। यहाँ लफंगे भी तो बहुत है ना, उधर देखिए। अच्छा ये सब छोड़िए, सुना है माँ ने आपके लिए लड़की देखी है? हाँ यार, और उस लड़की का नाम महालक्ष्मी। फोटो देखनी है? हाँ दिखाइए। सर सर, ये नहीं नहीं लड़की, ये दारू पी के गाड़ी चला रही है सर, पकड़िए सर। ए रुको रुको सुनो, ए पी रखी है क्या? ना ना सच्ची में नहीं पी है। ए हवलदार, इसे मीटर लगा के जरा चेक करना। हाँ सर करता हूँ। और इसकी गाड़ी साइड पर लगा। हाँ लगाता हूँ सर। ए तुम इधर रुको। कहाँ? हाँ यहाँ पर। यहाँ ठीक है, फूको इसमें। ठीक है, फूक बोल रहा हूँ मैं। क्या ये क्या है? पकड़ इसे, फूक इसमें। अरे फूकने को बोल रहा है तो खींच रही है। मैं जूस समझ रही थी। ये जूस लग रहा है तुझे, फूक मार। सर मजा आया फूक। सर ये तो जल गया सर। जाओ उधर बैठो। मां पता नहीं कहां से इतना फीकर आई। सत्या जाने देना, कितनी इनोसेंट लग रही है। अरे सर आपको इनोसेंट लग रही है, बहुत चालू है ये। स्मेल आ रही है ना। तो मैं क्या करूं, इसे सुनकर खाई हुई बिरयानी बाहर निकाल दूं क्या? मैंने सुना है पेरू खाने से स्मेल नहीं आती है। पेरू खाने से स्मेल नहीं आएगा क्या? मैंने तो ऐसा ही सुना था। बेवकूफ पीपल। ओ पुलिस गार्ड, सिर्फ 40 मिनट्स बचे हैं, उतनी देर में नशा भी चला जाएगा। I want to go home. चुपचाप जाकर बैठ जा, नहीं तो केस बनाकर अंदर डाल दूंगा। जेल में डालोगे क्या? डालो, अभी डालो, डालो, डालो जेल, डालो। छोड़ो, ध्यान मत दो। क्या कर रही है? बताए तुम्हें, कल मुझे कोई देखने आने वाला है, पर मैं उसे देखना नहीं चाहती। कुछ ऐसा करो कि वो मुझे देखते ही मना कर दे। और ये फोटो कल सुबह के न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे छपनी चाहिए, उसके बाद भी वो मुझे देखने आएंगे क्या? चलो पकड़ो मुझे, पकड़ो, जेल में डालो, चलो ले चलो मुझे, चलो। तो ये सारा ड्रामा इसके लिए है। ए हवलदार, ये लड़की बहुत चालू है, फॉरेंसिक लैब वालों को बुलाओ। ए सत्या, ये जरूरी है क्या? अरे सर आप इस लड़की को सपोर्ट क्यों कर रहे हो? वो माँ ने जो लड़की देखी है वो यही है यार। ओ तो महालक्ष्मी के पीने का कारण आप ही हो। अच्छा चलो सर, मुझे तो लगता है इसका प्यार व्यार का चक्कर है, आप तो निकलिए यहाँ से। देख वो सब मैं देख लूंगा, तू एक काम कर, लड़की की बाइक को पुलिस स्टेशन पहुँचा दे, मैं इसे घर पे ड्रॉप कर दूंगा। मुझे जेल जाना है प्लीज। बाहर आओ। कहाँ है जेल? हाँ जेल ही जाना है, आओ। तुम भी पुलिस हो, हैंडसम पुलिस। पीने के बाद भी इतना समझ में आ रहा है, बाहर निकलो। चलती हूँ भाई, जेल में मिलते हैं। थैंक यू पुलिस, सॉरी सॉरी पुलिस, बाय। हमें छोड़ कर मत जा दोस्त, फोन नहीं लगेगा तेरे बिना। ए चल हट बे बेवड़े। क्या पिया है तुमने? 90 रुपए की मारी है, तू भी मार के देख, जबरदस्त पावर आएगा। उसके बाद तू भी लेफ्ट मारेगा, राइट मारेगा, 2 मिनट में घर पहुंच जाएगा। सुनो परेशानी क्या है तुम्हारी, तुम उस लड़के से शादी क्यों नहीं करना चाहते? मैंने उसे अभी तक देखा ही नहीं है। क्यों, तुम किसी से लव करती हो क्या? क्या कहा, प्यार? किसी से प्यार करके शादी करने का तो मेरा पता है तुम्हें एम्बिशन है, लेकिन मैं किसी से प्यार करूं और उसे शादी करूं, ये मेरे माँ बाप करने देंगे क्या? हाँ पर क्यों नहीं करने देंगे? मेरे पापा हैं आर्मी के कैप्टन, बहुत स्ट्रिक्ट हैं जानते हो क्या, टॉर्चर करते हैं। मैं इतनी सी थी
मुझे अपने पास रखने के बजाय दूर स्कूल भेज दिया था। मुझे सेकंड लैंग्वेज हिंदी लेनी थी तो बोले तुझे फ्रेंच लेना होगा। मैं फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी, वो इंजीनियर बनने को बोले। मेरी लाइफ में मेरा कुछ नहीं है, सब वही डिसाइड करते हैं। मेरे लिए लड़का भी वही देख रहे हैं, लेकिन मैं उनकी पसंद से शादी क्यों करूं? इसका जवाब मुझे चाहिए, इसलिए मैं सीधा जाकर उनसे बोलूंगी, पापा मैं आपकी पसंद से शादी क्यों करूं? हाँ मैं सीधा सीधा उनसे बोलूंगी, योर आर्मी आपके पसंद किए हुए लड़के से मैं शादी नहीं कर सकती। ओके, मुझे जो लड़का पसंद आएगा उससे बहुत सारा प्यार करके सोच समझ के उससे शादी करूंगी। मैंने तो सोच लिया है कि मैं उनसे फेस टू फेस इसके बारे में बोल दूंगी। फर्स्ट टाइम, प्रॉमिस, फर्स्ट टाइम पिया मैंने, पर तुम्हारे पास अटक गई और मेरा प्लान चौपट हो गया। तुम्हारे पापा ने जो लड़का पसंद किया है वही तुम्हें पसंद आ जाए तो? कैसे पसंद आएगा? मैंने उसे अब तक देखा भी नहीं है, उसे पसंद करके शादी कैसे कर लूं? अच्छा, मैं जैसा सोच रही हूँ वैसा होगा क्या? क्या मतलब? दारू पीने के बाद साइड डिश भी नहीं खाई मैंने, भूख लगी है मुझे। तुम क्या राजकरण की फैन हो? क्यों नहीं, वो इतने अच्छे से खा रही हो ना इसलिए। कुछ तो मिस हो रहा है ना? कुल्फी। चीयर्स। अच्छा, तुम्हारा बर्थडे कब है? 10 सितंबर। वाओ, एक नंबर। वही मैं सोचूं, एक पुलिस वाला, रफ एंड टफ बॉडी वाला, मुझसे इतना लविंग एंड केयरिंग कैसे बिहेव कर रहा है? तुम मेरा नंबर जानते हो? मेरा नंबर 2 है, तुम सूर्य, मैं चंद्र। तुम 1 नंबर और मैं 2 नंबर, पता है दोनों बहुत लकी होते हैं। हो, तुम न्यूमेरोलॉजी जानती हो क्या? यू नो व्हाट, जो 1 और 2 नंबर वाले होते हैं मोस्टली क्लोज फ्रेंड्स साबित होते हैं। तो फिर आज से हम दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं? क्यों? ए, 1 नंबर 2 नंबर सूर्य और चंद्र तुम्ही ने कहा था ना? हाँ ऐसा, ठीक है फ्रेंड्स। ओए पुलिस वाले, हे भगवान, तुमने तो कहा था तुम मुझे जेल ले जा रहे हो, पर तुम तो मुझे मेरे ही घर ले आए। अरे मेरा तो सारा नशा ही उतर गया, अब मैं उस मिलिट्री वाले के पास जाकर क्या करूंगी? शांत हो जाओ, टेंशन क्यों ले रही हो? तुम सुकून से जाके सो जाओ, मैं सब संभाल लूंगा। आर्मी, पुलिस, पुलिस वाला कह रहा है वो आर्मी को संभालेगा, करेक्ट? तुम ऐसा करो, तुम अंदर जाओ और मेरे पापा से कहो कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, ओके? और ये भी कहना कि मैं इसी से शादी करूंगा, ठीक है? तुम्हें छोड़कर अगर कोई दूसरा मुझे देखेगा तो तुम मेरे मुंह पे एसिड फेंक दोगे, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, कहना कि तुम लड़के के चेहरे पे एसिड फेंक दोगे। हाँ ऐसा ही बोलना, तब तो वो पक्का डर जाएंगे। हाँ चलो चलो। ए, रुको रुको रुको, कल आने वाला है ना, तो मैं भी तुम्हें देखने कल आऊंगा, ठीक है? मैं वहाँ पर आऊंगा, सबके सामने कहूंगा कि मैं ही तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, ठीक है ना? सुपर आइडिया। लेकिन तुम पक्का आओगे ना? ओके बाय। ए फोन दो, अपना फोन दो, फोन दो ना। ये मेरा नंबर है, कल शाम तुम 5 बजे आ जाना। हाँ ओके। यस सर, गुड नाइट पुलिस सर। दारू पीकर हिम्मत के साथ पापा से बात करेगी ऐसा बोली थी मुझे, पर तूने पुलिस वालों से पंगा लेकर सारा प्लान बर्बाद कर दिया। अब क्या करने वाली है तू? तू टेंशन मत ले, वो जरूर आएगा। मामा जी नहीं आए क्या? बस आता ही होगा। ओ अच्छा अच्छा। हाँ
कट कर रहा है। तू फिर से ट्राई करना। ओह नो, स्विच ऑफ कर दिया। तो फिर पक्का तुझे यही दूल्हा मिलेगा। बैठो बेटी, जैसा नाम है वैसे ही महालक्ष्मी जैसी दिखती हो, है ना? लड़की अच्छी है ना? इसकी सूरत तो देखो कितनी अजीब है। अंदर आओ ना। तुम डरो मत, वहां बैठो, आओ ना अंदर, अपना ही घर समझो, बैठो आओ। क्या हो रहा है? पता नहीं, शुरू करो। क्या हूँ? कुछ नहीं। बोलो ना, चलो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या हुआ? हाँ, मुझे भी नहीं आ रहा। बेटी, मेरा बेटा तुम्हें पसंद आया ना? कैसी बात कर रही है, इतना अच्छा लड़का आखिर इसे पसंद क्यों नहीं आया? पसंद आया। आपने जो लड़का देखा वो मुझे नहीं पसंद आया। सुनो आर्मी, मुझे ये वाला लड़का पसंद है, मैं इसी लड़के से प्यार करती हूँ, इसके अलावा मैं किसी से शादी नहीं करूँगी। फोटो तो ऐसे देख रहा था जैसे पहली बार देखा तूने इसे, हमें बेवकूफ बना रहा था। नहीं, तू इसको पहले से जानता था ना? तुमको कुछ बताया था? अरे महा बेटी, तुमको देखने के लिए आने वाला लड़का यही तो था। मैं अकेले में आपसे कुछ बात कहां मर गई। महा, कल आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि आप ही वो लड़के हैं? हाँ, बता सकता था, लेकिन कल तुम बताने की हालत में नहीं थी, इसलिए नहीं बताया। ऐसी बात है, ठीक है, अब जाके बोल दीजिए मुझे लड़की पसंद नहीं। मैं क्यों बोलूं? मैंने तो तुम्हें फोटो देखते ही पसंद कर लिया था। कल तुम्ही ने कहा था ना कि जिससे भी शादी करूंगी उससे लव करूंगी। मैंने तभी फैसला कर लिया था कि वो खुशनसीब मैं ही होऊंगा, और पहली नजर में तुम मुझे पसंद आ गई थी। जब तुमने अपने पापा से कहा कि तुम मुझे लव करती हो तो वो मुझे बिल्कुल सच लगा। पर अब लगता है कि तुम्हारे पास जो प्यार है वो मुझे मिल जाए, और मेरे दिल में जो प्यार भरा है वो मैं तुम्हें देना चाहता हूं। पर इसके लिए तुम्हें कंप्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें पसंद नहीं हूं तो बेहिचक जाकर अपने पापा से कह सकती हो। क्या सोच रही हो, जाकर बोल दो। बोल तो सकती हूँ, पर ना जाने क्यों मेरा दिल कहता है कि ना बोलूं। क्यों? क्योंकि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। मैंने आपको इतना टॉर्चर किया फिर भी आप शांत थे, आपकी आंखों में झूठ नहीं है। जब भी आपकी आंखों में देखती हूँ, क्या बोलूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं खुद